हेलो ब्यूटीफुल पीपल एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू रानीज किचन। अगर मीठा खाना हो तो कोई ओकेजन की जरूरत नहीं पड़ती है। पर ना, अब तो आ रहा है साल का पहला त्योहार लोहड़ी एंड मकर संक्रांति, और इन दोनों में तिल का बहुत महत्व है। कहते हैं अगर हम तिल की कुछ भी बनी हुई चीज खा लेंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो चलिए तिल और चीनी को मिलाते हैं। ज्यादा नहीं, थोड़ा ही खाइएगा, पर खाइएगा जरूर। दोनों को मिला के एक कर देते हैं और बनाते हैं तिल की चिक्की। एक छोटे से पैन में तिल को हम रोस्ट करेंगे, और इसे बनाना ना मैंने अपनी एक स्टूडेंट से सीखा था। आज जब वो देख रही होंगी तो बहुत हैप्पी हो जाएंगी कि वाह मैम, आज तक आपको याद है। और बात भी सही है ना, बड़े ही नहीं, लाइफ में हमें छोटे भी कुछ अच्छा सिखा जाते हैं। और ये तो मीठी मीठी डिश है और मुझे मीठा बहुत पसंद है। लो टू मीडियम फ्लेम में ही इसे रोस्ट करना है, क्योंकि बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है। छोटी सी तो है ना बेचारी। और अगर आप इसे बनाएं तो रानीज किचन को एक बार जरूर याद कीजिएगा, और याद करते ही आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स कर देना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसे थोड़ी सी लेके प्रेस करके देखेंगे। अगर ये इस तरह से पाउडर बन जाए तो सोचिए कि तिल रोस्ट हो चुके हैं। फिर ठंडा होने के लिए एक बाउल पे निकाल देते हैं, और एक लकड़ी के बोर्ड पर थोड़ा सा घी लगाकर रेडी हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाती है ना। तो चलिए चीनी मैम, आप भी पैन में आ जाइए। तिल आपसे मिलने को बेताब है। हमेशा ना इसे 2 से 3 टेबलस्पून चीनी लेकर ही बनाना है, और तिल उतना ही डालना है जितना इस चीनी में घुल जाए, या यू कह लीजिए उसमें मिक्स हो जाए। और ये इतनी पतली सी बनती है ना कि जिसको दांत में प्रॉब्लम होगी ना वो भी इसे आसानी से खा सकते हैं। और अगर चीनी में कुछ मिक्स करना हो तो फ्लेम लो होनी चाहिए ताकि वह जल ना जाए। दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर दें, और मुझे लगता है सबसे कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत जल्दी बन जाने वाली यह छोटी सी प्यारी सी डिश है। हाँ हाँ ठीक है, आप दोनों छोटी छोटी फ्रेंड्स आपस में मिलके हैप्पी मकर संक्रांति कह लो, हैप्पी लोहड़ी विश कर लो, है ना। और मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी एडवांस में हैप्पी लोहड़ी एंड हैप्पी मकर संक्रांति। आपके छोटे से छोटे दुख तकलीफ भाग जाएं और आप हैप्पी हो जाएं। हाँ, पर एक बार तिल की चिक्की जरूर बनाएं। पसंद आपकी है, व्हाइट तिल की जगह आप ब्लैक तिल भी ले सकते हैं। टेस्ट दोनों का सेम ही आना है। दोनों एक हो चुके हैं, अब इसे घी लगे हुए बोर्ड पर ट्रांसफर कर देते हैं। फिर क्या, इसे गरम गरम ही बेलना है। ठंडी हो गई तो ये लड्डू बन जाएगी, क्योंकि हमने क्वांटिटी कम ली है इसलिए ये ठंडी भी जल्दी हो जाती है। और जितना हो सके इसे पतला बेल लीजिए, और तुरंत ना ये बोर्ड को छोड़ के प्लेट में आने को तैयार हो जाती है ना फास्टेस्ट डिश। और ये डिश आउट होने को तैयार। बस वन बाय वन बनाते जाइए, खाते जाइए और खिलाते जाइए। सही, चलिए एक बार फिर से बनाते हैं। उसी पैन पे चीनी डाल देंगे, उसे मेल्ट होने देंगे। मेल्ट होने के बाद उस पे तिल डाल दिया। जब दोनों मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह,
शायद आप बातों में खो गए थे, इसलिए फिर से मैंने ये रिपीट किया है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही यह मिक्स हुआ, बोर्ड पे डाला एंड बेल दिया। रानीस किचन की मीठी मीठी चिक्की तैयार। और ये उसके लिए जो सबसे पहले मेरे चैनल पर विजिट करेंगे। एक एक करके काफी सारी बना लीजिए और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर स्टोर कर लीजिए। अपना और मेरा बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।